हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज़ दीपक ठाकुर। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि हमारी 15 डेज रिवीजन सीरीज़ है आपके HS 2023 के लिए। तो उसी के लिए हम जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे सीसेट क्वांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सीसेट के ही हैं, जो कि आपके UPSC सीसेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, आज इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिटेल में हम इनको समझेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स, और लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा जिसका आंसर आपने जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है गाइस, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज राज सोल्ड एन आइटम फॉर ₹6384 एन इनकर्ड लॉस ऑफ 30%। यानी कि जब राज एक आइटम को ₹6384 में बेचता है तो उसको 30% का लॉस होता है। ठीक है, फिर आपको बोला कि वो कितने रुपए में बेचेगा उस आइटम को कि उसको 30% का प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 6384। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, और साथ में आपको लॉस की परसेंटेज दी है, दैट इज 30%। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उस राज ने वही आइटम कितने रुपए की पड़ी है, कि उसको जब उसने इतने रुपए की बेची तो उसको 30% का लॉस हो गया। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक, हम ऑब्वियसली अपने जो स्टूडेंट्स हैं लाइव बैच में उनको हम डिटेल में ये चीज़ें समझाते हैं। ठीक है, तो जो नहीं थे लाइव बैच में हमारे उनको मैं बता देता हूँ कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, दैट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एंड वट इज लॉस, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। दिस इज़ हाउ आप जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपके पास लॉस परसेंटेज भी गिवन है, आपके पास सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज आपके पास 30 दी है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपको दिया 6384, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन गया, 30 CP इज इक्वल टू, अब ये 100 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 CP माइनस 6384 इंटू 100। वैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल रहेगा आपका, कॉस्ट प्राइस का आपकी वैल्यू आएगी ₹9120। तो 9120 रुपये का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसके आगे क्या लाइन बोली है कि एट वट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड, यानी कि अब कितने रुपये में बेचेगा कि उसको 30% का प्रॉफिट होगा। यानी कि अब कॉस्ट प्राइस तो ये रहेगी, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी है 30%। ठीक है, अब क्या निकालना है आपने, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी है, तो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एंड प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी है आपको 30, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 9120, तो सेलिंग प्राइस माइनस 9120 बाय 9120 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला सेम ऊपर की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि इतने रुपए की जब आप चीज़ बेचोगे तो आपको 30% का प्रॉफिट होगा। एंड जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी आएगी, 11,856 रुपये, यानी कि 11,856। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइस, ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली एक UPSC का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। यहाँ भी बोला है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। यानी कि एक पर्सन है गोपाल, ठीक है, उसने एक फ़ोन ख़रीदा और 10% प्रॉफिट में उसको बेच दिया। देन राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक टू गोपाल, बट उसने 10% का लॉस हो गया। तो आपको लगा कि वट विल बी गोपाल्स पोजिशन इफ़ ही एग्रीड, कि उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि ये सिंपल है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला ही याद होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस निकालनी है आपने किसके लिए, राम के लिए, कि राम ने जो है वो उसको बेचना है दोबारा गोपाल को, लेकिन उसको 10% का लॉस है, पहले आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आपने क्या करा, सपोज कर लो, लेट अस सपोज कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज़ है। ठीक है,
पहले आपको प्रॉफिट हुआ यानी कि +10%, उसके बाद लॉस हो रहा है यानी कि -10%, तो फाइनल आपने सेलिंग प्राइस बतानी है कि कितनी है, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 इनटू, ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाया है जो बच्चे हमारे साथ लाइव बैचेस में थे, ठीक है, कि क्या होता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस, आपने फाइनल सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, 1 + 10/100, अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो मल्टीप्लाई 1 - 10/100, ठीक है। अब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, 100 इंटू एलसीएम ले लो, तो 100 + 10 = 110/100 - 10 यानी कि 90/100। तो जब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, तो 11 × 9 = 99, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 99, और यहाँ से आपने कॉस्ट प्राइस क्या अज्यूम किया था, 100। तो अब क्या निकालना है आपने, अब निकालना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो किसके इक्वल होता है, ये लॉस के इक्वल होता है, तो यानी कि लॉस उसको कितना हो गया, 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का लॉस हो गया। 1 रुपीज़ का लॉस का मतलब है कि उसको 1% का जो है वो लॉस फेस करना पड़ा जब उसने दोबारा वो चीज़ गोपाल को सेल बैक करी, ठीक है, तो उसको 1 रुपये का घाटा हो गया, ठीक है, ये 1% का जो है वो उसको लॉस फेस करना पड़ा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ से ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉस ऑफ 1%, क्योंकि आपका पूछा ना कि व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन, अगर ये +1 आता आंसर, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका पॉजिटिव आता तो ये गेन होता 1%, बट यहाँ पे क्या आया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पॉजिटिव में आया, तो यानी कि आपको लॉस हुआ 1% का। क्लियर गाइज, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि अभी यही क्वेश्चन आपका जो है UPSC का ही प्रीवियस ईयर का CSET का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ अ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड राइजेज ऑन द होल बाय 60%, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर्स अर्नड 20% एंड 25% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय थर्ड सेलर। यानी कि देखो आपके पास बोला है कि एक लैंड का प्राइस है जो कि लगभग 3 हाथ से जो है वो पास होता है, 3 persons के थ्रू पास होता है, ठीक है, और उस पर होल जो मतलब राइजेज है प्राइस का, दैट इज 65%, ठीक है। अब बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर्स अर्नड 20% एंड 25% प्रॉफिट, देन फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय थर्ड सेलर, ठीक है। तो पहले तो आप सपोज कर लो कि जो प्राइस है, यानी कि जो प्राइस ऑफ लैंड है वो मान लो कि X रुपीज़ है, ठीक है। अब आपको बोला है कि पहला जो बंदा है वो 20% जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड को बेच रहा है, सेकंड के बाद थर्ड के पास आ रहा है, तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट पर्सन के लिए है तो वो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट किस में, एक्स में। प्राइस ऑफ लैंड अगर रुपीज़ एक्स है तो एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, 120x/100। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पर्सन है वो कॉस्ट प्राइस होगा सेकंड पर्सन के लिए, और जो सेलिंग प्राइस होगा सेकंड पर्सन का वो क्या होगा, वो होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड पर्सन। तो यहाँ से हम क्या, जो सेकंड पर्सन का सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड पर्सन। तो वो कितना है, वो देखो वो कितना कमा रहा है, 25%, लेकिन 25% वो किसका कमा रहा है, 25% कमा रहा है जो उसको कॉस्ट प्राइस मिला, उसको क्या कॉस्ट प्राइस मिला, ये वाला, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस है सेकंड का, अब उस सेकंड ने इस पर 25% का अमाउंट जो है वो गेन किया है, तो वो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि इसका 25%, तो क्या आ जाएगा, 120x/100 इंटू 125/100, 25% बोला है ना, 25% ऑफ दिस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 125/100 इंटू 120x/100, क्योंकि प्रॉफिट बोला है तो मतलब ऑब्वियसली प्लस में आएगा, ठीक है, यानी कि 125 आएगा, अगर लॉस बोला होता तो यहाँ पे आप 75 लिखते, ठीक है। अब ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि थर्ड पर्सन का आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है।
अब सपोज कर लो कि लेट जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय थर्ड पर्सन, वो कितना हो रहा है, ए परसेंट। ठीक है, कि थर्ड पर्सन कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ए परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है कि होल, कि होल जो आप जा रहा है ये 65% है। तो यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी कि 65% ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो इन तीनों का जो सम रहेगा, ठीक है, जो तीनों का कंबाइंड रहेगा, यानी कि जो इसके ऊपर भी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगी। तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी, ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसको ए परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, मतलब जो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज होगी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब इसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो रही है, ए परसेंट हो रही है, तो कितना आ जाएगा ये 125/100, ठीक है, इंटू 120x/100। ठीक है, लेकिन ए परसेंट का प्रॉफिट है, ए परसेंट का प्रॉफिट मतलब मल्टीप्लाई बाय 1+a/100। ठीक है, तो ये डिटेल में हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट समझे हुए हैं, और जिन्हों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि ये तो आपका देखो ना कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया थर्ड पर्सन पे, इस पे ए परसेंट का प्रॉफिट जो है वो उसको हो रहा है। ठीक है, तो इसका ए परसेंट निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1+a/100। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो इसका कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड कितना हो रहा है, 65% ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस 65% ऑफ एक्स, यानी कि 65/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 165x/100 इज इक्वल टू 125/100 इंटू 120x/100 इंटू 1+a/100। अब देखो यहाँ से x और x कैंसिल, 100 के साथ 100 कैंसिल। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को और इलेबोरेट कर लो, 165 इज इक्वल टू 125 इंटू 120/100, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, 100+a/100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 165 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 125 इंटू 120 इज इक्वल टू 100+a। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया, जब आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इनको आपस में कैंसिल आउट करोगे, आपके पास क्या आएगा, 110, यानी कि 1110 इज इक्वल टू 100+a, तो a इज इक्वल टू 10%, यानी कि थर्ड पर्सन को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% का जो है वो प्रॉफिट हुआ। क्लियर, यही जो था वो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेज ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4%, यानी कि एक आर्टिकल है जब उसको सेल करते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस का, एक प्रॉफिट पे, एट प्रॉफिट कितना है, 6% एंड 4% इज ₹3, जब उसको 6% में करते हैं और जब उसको 4% प्रॉफिट में सेल करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ₹3 का डिफरेंस आ रहा है। आपको बोला है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बहुत ईजी है अगर आप लगाओगे। अब देखो यहाँ पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि सपोज करो आपके पास कॉस्ट प्राइस है ₹X। अब इस ₹X में पहले 6% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 106x/100, और इसका डिफरेंस यानी कि -4% प्रॉफिट, तो 104x/100 किसके इक्वल है, ₹3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 3। वेरी सिंपल, अब तो इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्या करना है, आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ही आपको पूछा है, तो सॉल्व कर दो, बेस सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 106x-104x/100 इज इक्वल टू 3, तो 106-104 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 150, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी आर्टिकल की, ₹150, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर गाइस, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको समझोगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस्तेमाल होना चाहिए, जब आपका दिमाग इस्तेमाल होगा तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चले आगे, 49th यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यानी कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है,
आपको बोला है अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75 एंड गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, जब एक पर्सन अपनी वॉच को ₹75 में बेचता है, ठीक है, क्लियर, देन गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज वो किसकी इक्वल है, वो कॉस्ट प्राइस की इक्वल है। तो सपोज कर लो कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, तो यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ₹X हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 75। आपको बोला कॉस्ट प्राइस निकालना है, बहुत ही सिंपल, कैसे करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज दी है यानी कि एक्स, और वो कॉस्ट प्राइस के ही इक्वल है जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, एक्स है और कॉस्ट प्राइस भी एक्स है, यानी कि ये भी एक्स आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपकी 75 दी है, कॉस्ट प्राइस भी एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स इंटू 100। सेम अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 7500 माइनस 100x क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वेयर ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 100x, ये साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। नाउ ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स बन जाएंगे, 100x है 7500 यानी कि 150 इंटू 50 कर लोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आती है, रूट्स निकालना, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब जिसको ये समझ नहीं आया कि हमने क्या किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है कि 100x यानी कि आपको प्लस माइनस करके 100x आना चाहिए प्लस में, और मल्टीप्लाई करके 7500 आना चाहिए। तो जब आपने 150x माइनस 50x करा, तो ये आपके प्लस में 100 आ रहा है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 70 माइनस 7500 x², ठीक है। तो अब क्या आएगा, रूट्स बन जाएंगे एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स एक्स प्लस 150 माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 150 और एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 आ गई, मतलब क्या है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्वेश्चन देखो पढ़ लो, अ फ्रूट सेलर बाइज 700 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹500 फॉर 100 ऑरेंजेस, यानी कि 100 ऑरेंजेस के लिए ₹500 देता है, तो 700 ऑरेंजेस के लिए कितना देगा, इंटू 7 कर दोगे, मतलब 100 इंटू 7, तो यानी कि 500 इंटू 7 वो आ जाएगा। एंड अनदर वेराइटी ऑफ 500 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 700 फॉर 100 ऑरेंजेस, सेम वही, ठीक है, उस तरह से। अब यहाँ पे क्या करता है कि 500 ऑरेंज लेता है, 100 ऑरेंज का 700 देता है, तो 500 ऑरेंज का निकाल लोगे, ठीक है, एंड सेल देम एट 84 पर डजन, यानी कि पर डजन यानी कि 12, ठीक है। आपको निकालने प्रॉफिट परसेंटेज की, अब उसको कितना प्रॉफिट, पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे, कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा, ये और ये वाला प्लस करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, फिर 84 पर डजन, तो पहले आप डजन कैलकुलेट करोगे कितने डजन होता है, उसका सेलिंग प्राइस निकालोगे, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल गया तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया ही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसको सॉल्व करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर रहेगा। देखिए गाइज, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपका बिल्कुल प्रॉपर जो है वो आपका क्लियर होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर आपका कंसेप्ट रहेगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है वो ये रहेगा, ठीक है गाइज। कुछ क्वेश्चन अब हम DI के लेकर आएंगे, बिकॉज DI इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर HAS CSET एग्जाम, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन आपके DI से ही आते हैं, और वो मुफ्त के मार्क्स हैं, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स भी आते हैं, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आपकी इजीली जो है वो हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जो कि आपके साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी होंगे, जो हमारे और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल छांट के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इस रिवीजन सीरीज़ के साथ बने रहें, हमारे लर्निंग हिमाचल के साथ बने रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो होगा, बेनिफिट रहेगा आपके हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए।
थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।